माय डियर स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिक्सटी एट्थ बी मैथ ऑप्शनल के लिए टॉपिक लिनियर एल्ज्रा के वेक्टर स्पेस लेसन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सोल्यूशन करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स बताया था जिसे आप देख लेंगे उसी के कंटिन्यू आगे का मैं आज लेक्चर देने जा रहा हूँ आज सारे की पॉइंट्स वेक्टर स्पेस के जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे फिनिश हो जाएंगे इसके बाद मैं वेक्टर स्पेस पर बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सोलूशन दूंगा तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने की पॉइंट्स में वन से लेकर टेन तक बताया था आज उसी के कंटिन्यूशन में पहले पॉइंट इलेवन को बता रहा हूं तो आप देखें की पॉइंट इलेवन इसमें देखिए हेडलाइन में दे रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप अच्छे ढंग से याद कर लेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन के लिए इसे कनेक्टेड मल्टीपल च्वास क्वेश्चन आपको एग्जाम्सर में आएंगे ही आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी जो वेक्टर स्पेस में जो पहला प्रॉपर्टी है वो कहता है कि इफ कैपिटल वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस शॉर्ट में लिखेंगे वी एस इफ इज ए वेक्टर स्पेस देन जीरो स्कैलर इन टू वेक्टर यू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर थीटा ऐसे पढ़ेंगे फॉर एवरी यू बिलोंग्स टू सेट भी वेयर भी इज अक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ तो पहला प्रॉपर्टी कहता है क्या कि भी में प्रत्येक यू के लिए यदि वेक्टर यू को फील्ड एफ के स्केलर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट जीरो वेक्टर होगा जीरो वेक्टर को या तो बोल्ड जीरो से लिखते हैं या थीटा से लिखते हैं थीटा से लिखना ज्यादा आसान है इसलिए मैं बोल्ड जीरो की जगह थीटा का प्रयोग कर रहा हूं इसके विषय में पहले आपको बता चुका हूं यहां पर मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि यदि किसी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर से तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर होगा आप वेक्टर एनालिसिस में भी पढ़े हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी किसी वेक्टर को यदि स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डिनरीली तो हमें वेक्टर मिलता है तो यहाँ यू वेक्टर है जीरो स्केलर है तो जब u को मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर जीरो से तो वेक्टर ही मिलेगा और वहां जीरो वेक्टर मिल रहा है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी यही कंसेप्ट पर सारी बात को आप समझ सकते हैं सेकंड इफ भी एफ इज ए वेक्टर स्पेस देन अल्फा थीटा अल्फा इंटू थीटा ज इक्वल टू थीटा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एफ ये क्या कहता है कि फील्ड एफ के प्रत्येक स्केलर अल्फा के लिए यदि स्केलर अल्फा को जीरो वेक्टर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जीरो वेक्टर मिलेगा तो यहां भी देखिए थीटा जीरो वेक्टर है अल्फा स्केलर है तो हमने ऊपर भी बताया कि किसी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर होगा देखिए उसको फॉलो कर रहा है तीसरा प्रॉपर्टी देखिए इफ भी एफ इज ए वेक्टर स्पेस देन माइनस वन इन यू इज इक्वल टू माइनस यू फॉर एवरी यू बिलोंग्स टू भी कैपिटल भी एंड वन बिलोंग्स टू कैपिटल एफ ये कहता है कि फील्ड एफ में यूनिटी एलिमेंट वन होता है आप जानते हैं तो फील्ड एफ में यूनिटी एलिमेंट वन होता है तो वन बिलोंग्स टू एफ और यू बिलोंग्स टू भी के लिए माइनस वन इंटू यू इजक्वल टू माइनस यू लिखेंगे तो यहाँ भी देखें यू एक वेक्टर है और वन स्केलर है तो माइनस वन भी स्केलर है एडिशन के लिए वन का इनवर्स माइनस वन होता है जिसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं ये सब फील्ड में आप पढ़ते हैं मॉडर्न जबरा में तो सब कॉन्सेप्ट आपको रखना पड़ेगा तो कहता है कि फॉर यूनिटी वन बिलोंग्स टू फील्ड एफ एंड यू बिलोंग्स टू भी वी राइट माइनस वन इन टू यू टू माइनस यू यहां भी देखिए यू एक वेक्टर है और माइनस वन क्या है? स्केलर है तो वेक्टर को जब वे स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो देखिए रिजल्ट वेक्टर मिला क्योंकि यू वेक्टर है तो माइनस यू भी एक वेक्टर होगा, वेक्टर होगा नेगेटिव तो यही कंसेप्ट है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर इज ए वेक्टर क्वान्टिटी इसी कंसेप्ट देखिए सभी प्रॉपर्टीज आपको मैं क्लियर कर दिया प्रॉपर्टी नंबर फोर देखिए इफ इज ए वेक्टर स्पेस then अल्फा इन टू यू इज इक्वल टू थीटा इंप्लाइज अल्फाइज इक्वल टू जीरो यहां जीरो स्केलर है और वेक्टर यू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर दैट इज थीटा ये कहता है कि यदि भी एफ एक वेक्टर स्पेस है तब अल्फ़ा इंटू यू इज इक्वल टू थीटा इंप्लाई करेगा कि अल्फा इज इक्वल टू जीरो और यू इज इक्वल टू थीटा इसका मतलब हुआ कि किसी वेक्टर यू में जब किसी स्केलर अल्फा से आप मल्टीप्लाई करेंगे और यदि अल्फा यू इजल टू थीटा लिखा जाए जहां थीटा जीरो वेक्टर है यानी किसी वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर के साथ यदि जीरो वेक्टर है तो इंप्लाई करेगा कि या तो स्केलर जो अल्फा है वह जीरो स्केलर होगा या जो वेक्टर यू है वह जीरो वेक्टर थीटा होगा ये कहना चाहता है अब प्रॉपर्टी नंबर फाइव देखिए इफ भी एफ इज ए वेक्टर स्पेस देन अल्फा u equal to beta u implies alpha is equal to beta u not equal to theta for every alpha beta belongs to f ये देखिए क्या कहता है अल्फा बीटा फील्ड F में है मतलब अल्फा बीटा स्केलर है यू जो है भी का एलिमेंट है यू एक वेक्टर है तो कहता है कि अल्फा यू इज इक्वल टू बीटा यू इंप्लाई करेगा कि दोनों स्केलर अल्फा बीटा इक्वल होगा जहां वेक्टर जो यू है वह जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए तो कहता है कि यदि वेक्टर यू जीरो वेक्टर नहीं है और अल्फा यू बीटा यू के इक्वल है तो यह इक्वेशन इंप्लाई करेगा बोथ स्केलर अल्फा बीटा इक्वल होगा अब छठा देखिए सिक्स प्रॉपर्टी देखिए इफ भी एफ इज ए वेक्टर स्पेस देन अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा भी implies that u is equal to v, alpha is not equal to zero for every u v belongs to capital V. कहता है कि भी में यदि दो हेक्टर यू भी लें और फील्ड एफ में कोई स्केलर अल्फा ले जहां अल्फा जीरो नहीं है मैंने अल्फा नन जीरो स्कलर है तब अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा भी इंप्लाई करेगा यू इज इक्वल टू तो भी क्लियर अब आगे देखिए सेवेंथ प्रॉपर्टी इफ भी एफ इज ए वेक्टर स्पेस देन माइनस अल्फा इनटू यू इज इक्वल टू माइनस बाहर कर देंगे और अल्फा को यू से मल्टीप्लाई कर देंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर एवरी यू बिलोंग्स टू भी कहता है कि यदि भी में यू लें और एफ में अल्फा लें तो माइनस अल्फा इन यू इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस बाहर कर देंगे और अल्फा को यू से मल्टीप्लाई कर देंगे हो गया सेवेंथ प्रॉपर्टी अब लास्ट है प्रॉपर्टी नंबर एट ये कहता है इफ बी एफ इज ए वेक्टर स्पेस देन देन अल्फा इंटू माइनस यू इज इक्वल टू माइनस बार हो जाएगा और अल्फा यू ब्रैकेट में फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर एवरी यू बिलोंग्स टू कैपिटल भी है ये कहता है कि यदि यू सेट भी में है और अल्फा फील्ड एफ में है तो अल्फा इंटू माइनस यू इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस बाहर करेंगे और अल्फा यू क्योंकि यू भैक्टर है अल्फा स्केलर है तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए भैक्टर यहां भी स्केलर कलर ऑफ ए फैक्टर है यहां अल्फा को नेगेटिव फैक्टर यू से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसका रिजल्ट नेगेटिव ऑफ अल्फा यू हो जाएगा यही कहना चाहता है तो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर स्पेस फिनिश हो गए मैं क्या करके सब को डील कर दिया अच्छे ढंग से समझा दिया आपको अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर स्पेस के एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूं ये सारे एग्जाम्पल्स को आप मेमोराइज कर लेंगे क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये सारे यूज होंगे अब देखेंगे तो मैं उसका जिक्र कर रहा हूं एग्जाम्पल्स ऑफ इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेसेज इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेसेज इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेसिस के एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड इन टपल्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी फील्ड एफ एनी फील्ड एफ इज ए वेक्टर स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस देखिए कथा है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर एंड टपल्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी फील्ड एफ इज ए वेक्टर स्पेस क्लियर सेकेंड एग्जाम्पल देखिए द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से फैक्टर स्पेस के कहता है द सेट ऑफ ऑल पोलिनोम ओवर ए फील्ड एफ द सेट ऑफ ऑल पोरिनोमियस ओवर ए फील्ड एफ इज ए वेक्टर स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस कहता है कि फील्ड एफ के ऊपर सभी पोरिनोमियस का जो सेट होता है एक वेक्टर स्पेस होता है तीसरा थर्ड द सेट कैपिटल एम Of all real matrices, matrices the set M of all real matrices of the type M by N forms. ए रियल भैक्टर स्पेस ए रियल भैक्टर स्पेस इज ए रियल भैक्टर स्पेस ओभर ए फिल्डारियल नंबर्स ऑल रियल नंबर्स कहता है कि द सेट कैपिटल एम ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस ऑफ द टाइप एम बाई एन फॉर्म्स ए रियल फैक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स एग्जाम्पल फोर द सेट कैपिटल वी ऑफ ऑल कन्वर्जेंट

ऑफ रियल कहता है द सेट भी ऑफ ऑल कन्वर्जेंट रियल वेक्टर स्पेस ओवर आर ऑफ रियल सभी का जो सेट हैटेंट एग्जाम्पल्स है, हैं के. इसलिए मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल नंबर फाइव देखिए the set v of all real valued the set v of all real valued continuous functions continuous functions of x defined in

कैपिटल जेड ऑफ ऑल इंटेजर्स इज नॉट ए वैक्टर स्पेस ओवर ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आर रियल नंबर के सेट आर पर सभी इंटेजर्स का जो सेट है कैपिटल जेड वह वैक्टर स्पेस नहीं होता है कारण क्या है बिकॉज तो कारण यही है कि आर जेड का सब फील्ड नहीं है आप ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यदि जेड ओवर आर है तो जेड वेक्टर स्पेस तभी बनाएगा जब जो ये फील्ड आर है वो सब फील्ड हो जेड का लेकिन मॉडर्न एक्टर लेबरा में हम पढ़े हैं कि रियल नंबर का जो सेट आर है वो इंटेजर्स के सेट जेड का सब फील्ड नहीं होता है यही कारण है कि सेट जेड ऑफ ऑल इंटेजर्स इज नॉट ए वेक्टर स्पेस देखिए एक कंसेप्ट था इसके अंदर मैं बता दिया सेवेंथ एग्जाम्पल देखिए द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज ए वेक्टर स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस कथा है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज ए वेक्टर स्पेस यहां लिख दीजिए कैपिटल आर अच्छा रहेगा द सेट कैपिटल आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स कैपिटल क्यू बिकॉज बिकॉज कैपिटल क्यू इज ए सब फील्ड ऑफ कैपिटल आर देखिए क्या कहता है द सेट कैपिटल आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द सेट ऑफ ऑल रेस्टर्न नंबर्स कैपिटल क्यू बिकॉज क्यू इज ए सब फील्ड ऑफ आर तो रियल नंबर का जो सेट है कैपिटल आर वह रेशनल नंबर के सेट क्यू पर वेक्टर स्पेस बनाता है क्योंकि क्यू आर का सफ़िल्ड होता है तो मॉडर्न एस्ट्रेक्ट अल्जबरा का भी स्टडी होना चाहिए जो सेक्शन टू में है बीपीसी में एस्ट्रेक्ट अल्जब्रा में आप एक चैप्टर है फील्ड तो उसमें आप ये सब पढ़ते हैं फील्ड और सब फील्ड के बारे में तो जहां जो कंसेप्ट आता है मैं आपको जिक्र कर देता हूं अब नंबर एट देखें कथा है द सेट सी कैपिटल सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स द सेट सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स द सेट सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज The set C of all complex numbers is a vector space over the set of all real numbers, Capital R, because. आर इज ए सब फील्ड ऑफ आर इज ए सब फील्ड ऑफ सी कहता है कि द सेट सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आर बिकॉज आर इज ए सब फील्ड ऑफ सी कहने का मतलब रियल नंबर के सेट आर के ऊपर सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है कैपिटल सी एक वेक्टर स्पेस बनाता है क्योंकि ये जो आर है फील्ड वह सी का सब फील्ड है सब में देख रहे हैं कि यही कॉज है एग्जाम्पल नंबर नाइन देखिए ये कहता है इफ कैपिटल एफ बी द फील्ड इफ कैपिटल एफ बी द फील्ड कैपिटल जेड टू ऑफ इंटेजर्स मोडलो टू कैपिटल भीज द सेट ऑफ ऑल टू बाई टू मैट्रिसेज फ देफ दैट इज कैपिटल एम टू बाई टू ब्रैकेट में कैपिटल जेड टू जे वेक्टर स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस देखिए कहता है इफ कैपिटल एफ बी द फील्ड जेड टू ऑफ इंटेजर्स मोडलो टू वी इज द सेट ऑफ ऑल टू बाई टू मैट्रीज ओवर एफ देन वी एफ दैट इज कैपिटल एम टू बाई टू जेड टू इज ए वेक्टर स्पेस इसका मतलब यह हुआ कि यदि फील्ड एफ बताता है फील्ड जेड टू ऑफ इंटेजर्स मोडलो टू को जेड टू को पढ़ते हैं फील्ड ऑफ इंटेजर्स मोडलो टू और भी क्या है तो फील्ड एफ पर सभी टू बाय टू मैट्रिसेस का सेट है तब यह सेट भी फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस बनाता है तो यहाँ भी एफ की जगह हो गया कैपिटल एम टू बाय टू जेड टू यही समझना है तो फाइनल यही दिमाग में रखिएगा कि फील्ड जेड टू ऑफ इंटेजर्स मोडलो टू पर टू बाई टू टाइप के मैट्रिसेस का जो सेट है वह एक वेक्टर स्पेस होता है यही कहना चाहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाइन देखिएगा प्रॉब्लम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है पूछा जाएगा आपको और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिख देता हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ वेक्टर्स ये कहता है नंबर ऑफ वेक्टर्स यहां वेक्टर मैट्रिक्स को बता रहा है मैट्रिक्स एज इन कैपिटल एम टू बाई टू ओवर जेड टू इज इक्वल टू होता है बेस टू का पावर यही मैट्रिक्स का टाइप टू बाय टू ऊपर पावर पर देते हैं इसको सिंपलीफाई करेंगे तो टू इंटू टू फोर टू टू दावर फोर सिक्सटीन हो जाएगा कहने का मतलब कि इस केस में एम टू बाय टू जेड टू जो एक वेक्टर स्पेस बनाता है जेड टू फील्ड पर तो इस वेक्टर स्पेस में वेक्टर्स की जो संख्या होगी नंबर होगा वह 16 होगा यही का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू बेस टू का पावर मैट्रिक्स का टाइप टू बाई टू यदि मान लिया जाए कि मैट्रिक्स का टाइप एम बाई एन है तो नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा टू टू पावर एम एन टू एन कहने का सेंस है तो समझ गए होंगे तो आज मैंने जितने भी की पॉइंट्स थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंटिन्यूशन चल रहा था वो सब मैं फिनिश कर दिया तो आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितने भी वेक्टर स्पेस पर की पॉइंट्स बताए हैं सब उसको मेमोराइज कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कोई कठिनाई नहीं होगी अब देखेंगे आगे तो अब नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर स्पेस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को दूंगा आप देखेंगे बहुत ही रोचक लगेगा इसलिए आप घबराएं नहीं प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा तो आज का लेक्चर मैं फिनिश कर दिया अब आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे